हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पुराना वीडियो में आपको मैकिता का एंगल ग्राइंडर को दिखाया था, इसका अनबॉक्सिंग किया था, इसका फीचर्स के बारे में बताया था और इसका यूज के बारे में बताया था। आज मैं आपको दिखाऊंगी इस एंगल ग्राइंडर के अंदर क्या क्या रहता है और ये काम कैसे करता है, तो चलिए देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्रम जी, टेक्निकल बिकू चैनल में आपका स्वागत है। सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को खोलने से पहले एसी पावर सप्लाई से अनप्लग करना होगा, उसके बाद उसको खोलना होगा। सबसे पहले हैंडल ग्रिप को खोलना होगा, उसके बाद प्रोटेक्शन यानी व्हील गार्ड को खोलना होगा। स्क्रूड्राइवर के मदद से मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद दो फ्लेंज नट दिया गया है, उसको हम खोल लेंगे। उसके बाद स्पिंडल को खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पिंडल के ऊपर चार स्क्रू दिया गया है, उसको हम स्क्रूड्राइवर के मदद से खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने स्पिंडल को खोल लिया हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर बड़ा वाला एक मेटल गियर लगा हुआ है। इस गियर एक छोटा शाफ्ट के साथ लगा हुआ है। ये शाफ्ट एक बॉल बियरिंग के ऊपर लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, कितना इजी में ये घूम रहा है। यहाँ पे जो आप गियर देख रहे हो, ये वर्टिकल मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन में कन्वर्ट करता है। ये मशीन कुछ एल की तरह काम करता है, तो हम साइड में रख देते हैं। देखिए दोस्तों, हेड के अंदर लुब्रिकेंट लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इस हेड के अंदर एक छोटा वाला गियर देख रहे हो, ये गियर मोटर शाफ्ट के साथ लगा हुआ है। उसके बाद मशीन के कवर खोल लेंगे। ये वाला जो हाउसिंग है एक स्क्रू के द्वारा लगा हुआ है, सबसे पहले उसको हम खोल लेंगे। देखिए पीछे स्क्रू है, उसको मैं खोल लेता हूँ। देखिए मैंने बैक कवर को हटा दिया। उसके बाद जूम करके आपको इसका अंदर क्या क्या है वो हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इसको कहते हैं कार्बन ब्रास। एक स्प्रिंग टेंशन के द्वारा लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, कार्बन ब्रास कुछ इस तरह निकल के आया है, देखने में कुछ इस तरह है। उसके बाद दूसरी तरफ जो कार्बन ब्रास लगा हुआ है उसको हम खोल लेंगे। सेम प्रोसेस में दोनों को हम खोल लेंगे। फिलहाल YouTube में मैकिता का एंगल ग्राइंडर इनसाइड वीडियो नहीं है, मैंने बहुत बार सर्च करके देखा था, नहीं है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। उसके बाद मशीन के जो हेड है उसको हम खोल लेंगे। देखिए इसको भी चारों तरफ चार स्क्रू लगा हुआ है, उसको हम स्क्रूड्राइवर के मदद से खोल लेंगे। देखिए मैंने चारों स्क्रू को खोल चुका हूँ। देखिए कुछ इस तरह इसका रोटर है, देखने में कुछ इस तरह। इस रोटर के दोनों साइड दो बॉल बेयरिंग लगा हुआ है। देखिए पीछे वाला बियरिंग कुछ इस तरह छोटा सा है। देखिए रोटर के आगे एक कूलिंग फैन लगा हुआ है, इसको हम साइड में रखेंगे। देखिए दोस्तों, मोटर के पीछे एक स्विच लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इस स्विच को स्प्रिंग और प्लास्टिक के प्लांजर के द्वारा इसको स्लाइडिंग स्विच किया गया है। एक छोटा सा मैकेनिज्म है। उसके बाद हम इस स्विच को निकालेंगे। देखिए दोस्तों, स्विच के दोनों तरफ दो टर्मिनल के ऊपर दो वायर लगा हुआ है स्क्रू के द्वारा, उसको हम स्क्रूड्राइवर के मदद से खोलेंगे। दोस्तों दोनों स्क्रू को मैंने निकाल लिया हूं। देखिए दोस्तों, मेन कार्ड से जो पावर सप्लाई आ रहा है वो डायरेक्ट जाके स्विच के अंदर लगा हुआ है, एक वायर, और दूसरे वायर डायरेक्ट जाके स्टेटर कॉइल के साथ लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसका स्विच कुछ इस तरह है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये स्विच है। उसके बाद स्टेटर कॉइल वायर को हम खोलेंगे। दोनों तरफ दो वायर लगा हुआ था, मैंने निकाल लिया हूँ इसको। देखिए दोस्तों, मेन पावर सप्लाई कॉर्ड को एक प्लास्टिक ग्रिप के साथ लगा हुआ है, उसका दोनों तरफ दो स्क्रू दिया गया है, उसको हम खोलेंगे। उसके बाद हम स्टेटर कॉइल को खोलेंगे। देखिए दोस्तों, स्टेटर कॉइल दो स्क्रू के द्वारा लगा हुआ है, उसको हम स्क्रूड्राइवर के मदद से खोल लेंगे।
उसके बाद बहुत ही आसानी से स्टेटर कॉइल हाउसिंग से बाहर निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने उसको बाहर निकल लिया हूं। देखिए दोस्तों, इसका स्टेटर कुछ इस तरह दिखता है, देखने में कुछ इस तरह इसका स्टेटर है और इसका रोटर कुछ स्टेटर के अंदर घूमता है। देखिए कुछ इस तरह। देखिए ये था हमारा इनसाइड एंगल ग्राइंडर पार्ट्स। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसको फटाफट फिर से इसको असेंबल कर लेंगे। दोस्तों आप मेरा चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मेरा ये वीडियो स्किप ना करके आप पूरा देखिए, तो आप किसी भी ब्रांड की एंगल ग्राइंडर को रिपेयरिंग और असेंबल कर सकते हो। देखिए मैंने मेरा मशीन को फिर से असेंबल कर चुका हूँ। देखिए आपको चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छे लगे तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।